हेलो स्टूडेंट, यस्टरडे आप एक वॉइस का टॉपिक स्टार्ट करिया सी एंड आज उसका सेकंड पार्ट है। देखो ये साड़ी छोटी जी कोशिश सी जिदे नाल हो सकता है थोड़ी कुछ हेल्प हो सके एग्जामिनेशन दे विच। एंड पूरे ध्यान नाल वीडियो देखिया करो एंड जितों समझ ना आवे रिपीट करके दोबारा समझा करो। एंड अज आप नैक्सट रूल लिखांगे एंड अगे एग्जाम्पल लवांगे। कम देखो ये सबजैक्ट एंड दूजी साइड ऑब्जेक्ट पार्ट है, इतों तुसी हेल्प लैके आंसर कर सकते हो। देखो तुहानू कल दस्सिया सी डू डज किदे विच बदलेगा इज एम आर एंड प्लस वी थ्री, यानी कि वर्ब दी थर्ड फॉर्म। एंड अज आप डिड करांगे डिड एंड सेकंड फॉर्म किदे विच बदलेगी वॉश वर दे विच। एंड विल शैल चेंज होएगा विल शैल बी दे विच। ओके विल शैल बी एंड इज एम आर चेंज होएगा इज एम आर बींग प्लस वी थ्री, यानी इज एम आर बींग प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म में चेंज होएगा। देखो इतने तुहानू समझ शायद ना आवे, जो एग्जाम्पल लवेंगे उदो तुहानू प्रोपरली समझ आएगा भी कितना चेंज होएगा। नैक्सट अगे वॉज वर ये चेंज होएगा वॉज वर बींग दे विच। ओके प्लस वी थ्री। अज आप ये एग्जाम्पल ले लेंगे क्योंकि जेकर अगे होर काम करेंगे तो शायद समझ ना आ सके। ओके देखो वर्ब दी सेकंड फॉर्म एंड डिड वाच वर्च बदलेगा। आप पहले ये तो एग्जाम्पल लेते हैं, कल आप फस्ट मतलब डू डज दे एग्जाम्पल लई सी। देखो देखो डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन, यानी कि तुसी ये क्वेश्चन पूछया किदा बदलेगा। तुहानू दस्या सी लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव पार्ट अगे लेके आओ एंड सब्जेक्ट पार्ट पिछे लेके जाना। तो एक होर तुहानू दस्या सी जेकर सेंटेंस इंटरोगेटिव होवे तां आंसर भी इंटरोगेटिव ही देना है। ये तुहाडे कोल हुण इंटरोगेटिव है। देखो डिड तुहानू की दस्या सी किहदे विच बदलेगा वाज वर्ब विच। इहदे हिसाब नाल तुसीं किहड़ी हेल्पिंग वर्ब देनी है दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब कि हिक है डिड नू चेंज करो वाज विच। ठीक है अगे दिस क्वेश्चन नू सब्जेक्ट बनाओ, लिखो दिस क्वेश्चन। ओके वर्ब ले आओ थर्ड फॉर्म आस्क दी आस्केड यू नो ऑब्जेक्ट बनाओ बाय
यू। ओके देखो वाई दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू की एक क्वेश्चन तुहाडे द्वारा पूछा गया सी। ओके अगे नेक्स्ट कहाँ पर लाओ वर्ब दी सेकंड फॉर्म वाली। हाँ देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लवेंगे वर्ब दी सेकंड फॉर्म से कम। देखो आई sang that song यानी कि I sang that song मैं वो गाना गाया। देखो तुहानू क्या सी वर्ब दी सैकंड फॉर्म किहदे विच चीज़ होगी वाज विच। ऑब्जेक्टिव अगे लेके आओ ऑब्जेक्ट दैट सोंग सोंग एक हैल्पिंग वर्ब भी सिंगलर वाली लगेगी दैट सोंग वाज सिंग दी थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग दिस सोंग वाज संग बाय आई दी ऑब्जेक्ट पार्ट मी बाय मी। देखो दैट सोंग वाज संग बाय मी यानी वो गाना मेरे द्वारा गाया गया। ओके अगे आप वेली शैल वाली एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो आई विल टेल यू आई विल टेल यू चाहे तो तुसी विल दी छां ते शैल दा भी यूज कर सकते हो क्योंकि अजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल दा यूज घट है सारिया दे नाल ही विल दा यूज होंदा है। देखो ऑब्जेक्टिव पार्ट अगे इधर देखो विल शैल किहदे विच विल शैल बी दे विच यू अगे लेके आओ यू विल विल शैल दे नाल की जो होगा बी यू विल बी टेल दी थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय आई द ऑब्जेक्टिव पार्ट मी। ओके यू विल बी टोल्ड बाय मी यानी मेरे द्वारा तुहानू दस्या जाएगा। ओके जी ये आप रेज करके अगे नैक्सट एग्जाम्पल लेंदे हाँ। वॉज वर्ते यानी इस इमारते जिमें वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स यानी असी गाने गा रहे हाँ। ओके जी देखो इज एम आर च की होंदा है यूज इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। देखो सॉन्ग्स अगे लेके आओ ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स सॉन्ग्स ज़्यादा ने इसलिए तुसी की यूज करोगे आर सॉन्ग्स आर ये की यूज दस्या सी तुहानू बी दा यूज सॉन्ग्स आर बीइंग सिंगिंग दी थर्ड फॉर्म संग बाय देखो वी दा की आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट अस यानी साडे द्वारा गाने गाए जा रहे हन। देखो आपां इस एमआर दे एक इंटरोगेटिव एग्जाम्पल लेंदे हाँ। अलसो तुहानू दस्या भी सी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर भी इंटरोगेटिव ही देना है। ओके देखो आर यू डूइंग दिस टास्क। ओके
आर यू डूइंग दिस टास्क। ऑब्जेक्टिव पार्ट अगे इंटेरोगेटिव आंसर, इंटेरोगेटिव आर इज एम आर कि चेंज होएगा, इज एम आर बी विच टास्क एक है इज अगे लेके आओ, इज दिस टास्क बीइंग ओके, डू दी थर्ड फॉर्म डन बाय यू द ऑब्जेक्टिव पार्ट यू ही रहेगा बाय यू ओके जी। आई होप तुम इतना समझ आया होएगा एंड अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अगली वीडियो चलावांगे एंड नेक्स्ट रूल भी तुम्हें दसांगे। प्लीज़ जिन्ना काम थोनू करवाया इन्ना को मतलब याद रखा जे ता ही तुसी पेपर दे विच वॉइस चेंज कर सकते हो। पहली गल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये थोनू याद होना चाहिए है एंड दिस रूल भी थोनू याद होने चाहिए हैं एंड वर्ब बारे तो जरूर ही पता होना चाहिए। ओके मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक यू।